ये है वक्त मीडिया। अंजुमन तामीरे अदब जूठिया जिला रामपुर उत्तर प्रदेश के जेरे एहतमाम चौथा ऑल इंडिया मुशायरा 24 नवंबर 2022 को हाजी अब्दुल जब्बार साहब साबिक प्रधान की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी रहे शिवेंद्र कुमार साहब एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज, मेहमान जाजी रहे वसीम साहब व मारूफ अयूब साहब, शमा रोशन की ग्राम प्रधान जूठिया डॉक्टर जाकिर अली साहब ने, मुशायरे में रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी साहब व साबिक एमएलए यूसुफ अली साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत मोहम्मद अतीक साहब। मुशायरा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इरफान साहब और अंजुमन तामीरे अदब जुठिया के सदर हैं मौलाना असलम जावेद कासमी साहब। पे मरहम होते हैं आपके जैसे लोग, जख्मों पे मरहम होते हैं आपके जैसे लोग, इस दुनिया में कम होते हैं आपके जैसे लोग। जनाबे जहूर फरती साहब से गुजारिश गुजार हूं कि तशरीफ लाएं। जनाबे जहूर फरती, आप तालियों से अपने मेजबान शायर का इस्तकबाल फरमा दीजिए, इसी तरह से मखसूस अंदाज में मखसूस से वक्त में अपने कलाम से नवाजें। इजाजत है इरशाद यार। मौलाना साहब, शुरू करता हूं नाम से उसके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे अल्लाह तू अमान में रख। वाह, एक तो आपको सुनाया था मैंने, ये उससे पहले कहा है। मेरे अल्लाह तू अमान में रख, चाहे टूटे हुए मकान में रख। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है। वाह 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 वाह, मेरे अल्लाह तू अमान में रख, चाहे टूटे हुए मकान में रख, चाहे टूटे हुए मकान में रख। दिल आजारी न हो किसी की भी, ऐसा लहजा मेरी जुबान में रख। दिल आजारी न हो किसी की भी, ऐसा लहजा मेरी जुबान में रख, इससे पहले के वक्त आ जाए। वाह, हर घड़ी मुझको इम्तहान में रख। वाह वाह वाह, और दो मिसरे और हैं, शेर पेश करता हूं। वही जिससे पनाह मांगनी है, मांगते कब हैं। वाह, जिससे पनाह मांगनी है, जिससे पनाह मांगनी है, मांगते कब हैं, हम अपने सिवा और को गर्दानते कब हैं। जिससे पनाह मांगनी है, मांगते कब हैं, हम अपने सिवा और को गर्दानते कब हैं। घर में गए तो मखमली बिस्तर में सो गए। वाह प्रधान साहब सुनो, घर में गए तो मखमली बिस्तर में सो गए, फिर हम सदा अजान की पहचानते कब हैं। वाह, घर में गए तो मखमली बिस्तर में सो गए, फिर हम सदा अजान की पहचानते कब हैं। भाई दूसरी तारीफ हुजूर, मैं ये मेरे सब जो हैं इस कमेटी के, मैं उसमें शामिल हूं सबसे पहले से। पहले ये सरपरस्ती हमें देते थे और मैं इसी सरजमीन का पैदा किया हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने। इसी जुठिया में रहता था मैं, अब जब शहर में चला गया तो ये है। मैं पेश करता हूँ, मैं इस जुठिया का हूँ, यारो मेरी पहचान लिख देना। वाह, मैं इस जुठिया का हूँ यारो, मैं इस जुठिया का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, वो कफन के एक एक कोने पे जुठिया नाम लिख देना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे इसका क्या है, इसका क्या, इसका क्या, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, ये जानते हैं ज्यादा। मैं इस जुठिया का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे जुठिया नाम लिख देना।
अब मशायरे की तरफ, मैंने होश आपका वो सुना था, अब मैं पेश करता हूं कि रस घोलते हैं लफ्ज हमारे भी कान में। वाह। पढ़ते हैं लोग शेर जब उर्दू जुबान में। वाह। रस घोलते हैं लफ्ज हमारे भी कान में, पढ़ते हैं लोग शेर जब उर्दू जुबान में, और हिंदू हो, पारसी हो, मुसलमान हो या के सिख, सब एक होके रहते हैं हिंदुस्तान में। ये आज की बात है। बेशक बेशक। रस घोलते हैं लफ्ज हमारे भी कान में, पढ़ते हैं लोग शेर जब उर्दू जुबान में, हिंदू हो, ये कम से कम 28 साल पुराना है, आज पढ़ रहा हूं मैं, एक लाइब्रेरी में पढ़ा था, रजा लाइब्रेरी में। एक ऑफिसर बैठे हुए थे पीछे सदारत के लिए, उन्होंने मारा पीछे से जी, बहन का पिटाई हो गई। बोले नहीं नहीं बन जा पीछे मोड़ा, नहीं अरे पढ़िए पढ़िए बहुत अच्छा है ये। रस घोलते हैं लफ्ज हमारे भी कान में, पढ़ते हैं लोग शेर जब उर्दू जुबान में, हिंदू हो, पारसी हो, मुसलमान हो या के सिख, सब एक हो के रहते हैं हिंदुस्तान में। माहौल उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और हालात। तो गड्ढे में तो सभी को जाना है। गजल पढ़ू ना? तरन्नुम में से, तरन्नुम से पढ़ेंगे। हजरात लोगों ने ऐसी ऐसी गजलें पढ़ी, हमारी गजल में वो शेर और वो अदा होगी नहीं, सिस्टम उसका भी अलग है। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं, मैं इस जो शेर पढ़ रहा हूं इसमें गजल का, सभी अहले फन लोग हैं वो बात बता दूंगा, इसलिए कि पता करेंगे पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा बुड्ढा। आपके समझ में आई? मैं एक दिन घर में दाखिल हुआ तो टीवी पे एक गजल आ रही थी, उसका आखिरी मिसरा जो उसने दोबारा जो पढ़ा वो मेरे जहन में उतर गया। मतलब उसने दोबारा तो पढ़ा था, मैं घर में दाखिल हुआ और टीवी बंद हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, वो भी मिसरा मुझे याद रह गया। उस मिसरे के मिसरा जो ओला था उसका, मैंने उसके लफ्ज बदल दिए, उसके लफ्ज बदल के और मैंने उस पर तबाजनाई शुरू कर दी, पूरी गजल कही। अब मैं पेश करता हूं, मैं समझाना इसलिए था कि कभी वो ही मैंने कह रहा ना कि बुड्ढा पता नहीं क्या बोल बढ़ा रहा है। ऐ मेरे हम नफस, ऐ मेरे हम नवा, इस तरह साथ रहना गवारा नहीं, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। वाँ वाँ वाँ। अगर समझ में आ जाए तो ताली बजाना, नहीं तो समझ में आया तो मत बजाना। ऐ मेरे हम नफस, ऐ मेरे हम नवा, इस तरह साथ रहना गवारा नहीं, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। मौसमे वक्त है ये भी कट जाएगा, बोरिए की तरह से सिमट जाएगा, मौसमे वक्त है ये भी कट जाएगा, बोरिए की तरह से सिमट जाएगा, इस कदर अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। ऐ मेरे हम नफस, ऐ मेरे हम नवा। मैंने एक शेर छोड़ दिया, दो शेर छोड़ दिए, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत खूब। अब आपकी जिम्मेदारी है जी। उनके रुखसार पर ताजगी हमसे है, वाह 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 वाह,
उनके रुखसार पर ताजगी हमसे है, फूल की पत्तियों पर नमी हमसे है। ये पूरा शेर आप किसी हदीस से निकालेंगे या कहां से होता वो वहीं पहुंचेगा शायद। उनके रुखसार पर ताजगी हमसे है, फूल की पत्तियों पर नमी हमसे है, मुतलकन इल्म की रोशनी हमसे है, हम नहीं है तो कोई नजारा नहीं। ऐ मेरे हम नफस, ऐ मेरे हम नवा, इस तरह साथ रहना गवारा नहीं। एक शेर और पढ़ता हूँ। बुग्ज़ नफरत की दीवार को तोड़कर प्यार के नर्म धागे से दिल जोड़कर, बुग्ज़ नफरत की दीवार को तोड़कर प्यार के नर्म धागे से दिल जोड़कर, अब मोहब्बत की कश्ती में आ जाइए, फिर ना कहना कि हमको पुकारा नहीं। ऐ मेरे हम नफस, अरे भाई वाह भाई वाह, अच्छा बुग्ज़ नफरत की दीवार को तोड़कर प्यार के नर्म धागे से दिल जोड़कर, अब मोहब्बत की कश्ती में आ जाइए, फिर ना कहना कि हमको पुकारा नहीं। ऐ मेरे हम नफस, ऐ मेरे हम नवा, इस तरह साथ रहना गवारा नहीं। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। ऐ ज़हूर इस जहां का ये दस्तूर है, जहां का ये दस्तूर है, जिससे कुर्बत रही अब वही दूर है। ऐ ज़हूर इस जहां का ये दस्तूर है, जिससे कुर्बत रही अब वही दूर है, क्या पता रब को क्या बात मंजूर है, ये समझना किसी का इजारा नहीं। ऐ ज़हूर इस जहां का ये दस्तूर है, जिससे कुर्बत रही अब वही दूर है, क्या पता रब को क्या बात मंजूर है, ये समझना किसी का इजारा नहीं। ऐ मेरे हम नफस, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब ज़हूर फरहती साहब। तेरे किरदार की खुशबू है तेरे लहजे में, तेरे किरदार की खुशबू है तेरे लहजे में, तेरे जुमले तेरी अजमत का पता देते हैं, ऐसा शार के साथ हमारे। तो ये था अंजुमन तामीरे अदब जुटिया रामपुर के जेरे तमाम एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफी खान वक्त मीडिया के लिए जुटिया रामपुर से।